नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। देश में इन दिनों किसान कानून के विरोध में किसान और किसान नेताओं का विरोध चल रहा है। सरकार लगातार किसानों को कानून के फायदे समझाने और उन्हें मनाने में जुटी है। वहीं दूसरी तरफ कुछ किसान नेता अपने राजनीतिक फायदे के लिए किसानों को सरकार के खिलाफ भड़काने में जुटे हैं। इस बीच कई बड़े राजनेता किसान आंदोलन की आड़ में बीजेपी पर निशाना साध रही है। ऐसे कानून को लेकर नेताओं और किसानों नेताओं के बीच बयानबाजी भी तेज हो गई है और दोनों ही ओर से एक दूसरे पर हमलावर हो रहे हैं। इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के बारे में जब किसान नेता टिकैत से सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। हो सकता है कि किसानों को केजरीवाल ने चर्चा के लिए बुलाया है। उनका कहना है कि जो भी फैसला होगा वो संयुक्त किसान मोर्चा करेगा। उधर दूसरी तरफ केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने भी कहा कि भीड़ इकट्ठा करने से कानून नहीं बदलते। दरअसल आपको बता दें कि 28 फरवरी को मेरठ में किसान महापंचायत है, उसमें भारी संख्या में किसान मौजूद होंगे। किसान महापंचायत के अंदर भी तीनों कृषि कानून के ऊपर चर्चा की जाएगी और इनको वापस लेने के लिए सरकार से अपील की जाएगी। इसी बैठक को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आए किसान नेताओं के साथ मुलाकात की थी, लेकिन राकेश टिकैत का बैठक में ना आना एक चर्चा का विषय बना हुआ था। वहीं बैठक के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली विधानसभा में किसानों के साथ इन तीन कानूनों पर चर्चा करने आए थे। उनका कहना था कि बीजेपी और केंद्र सरकार बार बार ये कह रही है कि इन कानूनों से किसानों का फायदा होगा, लेकिन अभी तक एक भी फायदा जनता को बताने में वो नाकाम रहे हैं। ये तीनों कानून एक तरह से किसानों के लिए डेथ वारंट है। अगर ये तीनों कानून बने रहते हैं तो देश के किसानों के लिए बड़ी मुसीबत पैदा हो जाएगी। किसानों की किसानी कुछ चंद पूंजीपतियों के हाथ में चली जाएगी और देश का किसान उनके हाथों के कठपुतली बनकर रह जाएगा। वहीं दूसरी तरफ कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने रविवार को कहा कि भीड़ इकट्ठा करने से कानून नहीं बदलते। उन्होंने कहा कि किसान यूनियन बताए कि उन्हें कानूनों से किसान के खिलाफ क्या लगता है और सरकार उसमें संशोधन करने के लिए तैयार है। तोमर ने कहा कि केंद्र सरकार ने संवेदनशीलता के साथ किसान संगठनों से 12 दौर की बातचीत की है, लेकिन कुछ किसान नेताओं के अड़ियल रुख के चलते एक भी बैठक कारगर साबित नहीं हो पाई। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बातचीत का निर्णय तब होता है जब आपत्ति बताई जाए। उन्होंने कहा कि सीधा कहोगे कि कानून हटा दो, ऐसा नहीं होता कि कोई भीड़ इकट्ठा कर ले और कानून हट जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसान हितों के मुद्दे पर सरकार आज भी संशोधन करने के लिए तैयार है और इस बारे में तो स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं। उनका कहना था कि किसानों को चाहिए कि वो सरकार से बात करें और अपनी आपत्ति से सरकार से अवगत कराएं। ऐसे सड़कों पर उतरकर धरना देने से क्या होगा जब सरकार आपकी सेवा के लिए बैठी है। बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वीके न्यूज़। धन्यवाद।